और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, बीजेपी सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी है। अरुण गोविल लड़ सकते हैं चुनाव, मेरठ से बीजेपी उतार सकती है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम का किरदार निभाया अरुण गोविल, और जो कि काफी लोकप्रिय हैं। और देखिए, अब ये जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, मेरठ से बीजेपी उन्हें मैदान में उतार सकती है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है, अरुण गोविल काफी लोकप्रिय चेहरा, राम के तौर पर हर कोई उन्हें जानता है, और ऐसे में मेरठ से बीजेपी उन्हें उतार सकती है चुनावी मैदान में। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी सोर्सेस के हवाले से अरुण गोविल लड़ सकते हैं चुनाव, और मेरठ से भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से बीजेपी सोर्सेस के हवाले से, अरुण गोविल चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीजेपी उन्हें मेरठ से उतार सकती है चुनावी मैदान में। और आपने देखा भी है कैसे बीजेपी जो स्टार चेहरे हैं उन्हें मौका देती है, उन्हें उन पर भरोसा जताती है। बात अगर करें मथुरा से हेमा मालिनी को, इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया है, दो बार से वो लगातार जीतती हुई आ रही हैं। और अब जैसे बात करें हम अरुण गोविल की, तो जानकारी मिल रही है कि मेरठ से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ एहतेशाम सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, जानकारी मिल रही है कि अरुण गोविल को बीजेपी मेरठ से मैदान में उतार सकती है। एहतेशाम, चलिए बात करने की हम एहतेशाम से कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी क्योंकि निकलकर सामने आई है, चुनाव बहुत नजदीक है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की कुछ अभी सीटें हैं जिन पर पत्ते खुलना फिलहाल बाकी है, अगली लिस्ट आने वाली है। और ये भी जानकारी कि अगली जो लिस्ट आएगी बीजेपी की, उसमें कई चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, और उसमें से एक नाम हो सकता है मेरठ से, जहां से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है, अरुण गोविल चुनाव लड़ सकते हैं और मेरठ से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें राम का किरदार इनके द्वारा निभाया गया, और घरों घर पसंद उस राम की छवि को किया जाता है, और ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि मेरठ से बीजेपी उन्हें मैदान में उतार सकती है। एहतेशाम एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, जानकारी मिल रही है कि अरुण गोविल पर बीजेपी भरोसा जता सकती है उम्मीदवार के तौर पर, मेरठ से उतार सकती है उनको। जी हाँ, देखिए मेरठ सीट को लेकर जो रसा कही चल रही थी वो लगभग धीरे धीरे क्लियर हो रही है, क्योंकि मेरठ में नया चेहरा उतारने जा रही भारतीय जनता पार्टी, और जो सोर्सेस के हवाले से खबर मिल रही उसमें अरुण गोविल का नाम तय माना जा रहा है। और इसके साथ ही बीजेपी जो पीलीभीत के सांसद हैं उनका, वरुण गांधी उनका टिकट काट रही, उनकी जगह उनकी माँ मेनका गांधी को लड़ाने की पूरी तैयारी में है। और तीसरी बात हम आपको बता दें कि कैसरगंज में ब्रजभूषण शरण की जगह दूसरे प्रत्याशी के उतारने का भी मंथन हो रहा है, तो कल इस पर कभी भी फैसला आ सकता है, क्योंकि पहले चरण का नॉमिनेशन का कार्य भी शुरू हो गया है और 27 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यूपी की उस सीटों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है जो पहले दूसरे तीसरे चरण में है। तो ऐसे में हम बात करें खास तौर से पश्चिम की, तो पश्चिम में मेरठ और पीलीभीत कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर उच्च स्तरीय की बैठक भी हुई थी, उस बैठक में इस बात का फैसला हुआ है कि हम नए प्रत्याशी पर ही मोहर लगा ले ताकि जो इंटरनली लड़ाई है उससे हम बच सके। जी तो क्या माना जाए एहतेशाम, कब तक अगली लिस्ट आने की संभावना? देखिए जानकारी जो सोर्सेस से मिल रही है वो कल तक बीजेपी की लिस्ट आ सकती है, वहीं देर शाम और कल तक कांग्रेस भी अपनी सूची 17 यूपी में उतार सकती है। तो ऐसे में जो यूपी का गरण है, यूपी का घमासान है, वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। और भारतीय जनता पार्टी भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद वो इस छवि को बनाना चाहती है, और ऐसे में उसने बहुत सोच समझ के अरुण गोविल का नाम सामने उतारा है ताकि उसका लाभ उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल सके। ठीक है एहतेशाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।